गृहमंत्री जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें कही थी अपनी ओपनिंग स्पीच में. उन्होंने कहा था ये यूनिफिकेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि करप्शन है, पॉलिसीज में डिफरेंसेस हैं, अनइक्वल एक्सेस है. हम सब इससे सहमत हैं कि अगर कोई निर्णय लेना है तो निर्णय होना चाहिए. पर मैं यहाँ पर जब आई थी, राज्यसभा में जब आई थी, मैं संविधान की शपथ लेकर आई थी और वो संविधान मुझे बताता है कि अंडर सेक्शन 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे अर्बन गवर्नेंस की बात होती है, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात होती है. तो आज दिल्ली की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, पर हम उन MLAs को वंचित कर रहे हैं जो दिल्ली की ही जनता ने चुनकर उनको असेंबली में भेजा है और हमने उनसे पूछा भी नहीं है कि वो ये यूनिफिकेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. सर, ये तो सेक्शन, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मैंने बात की है. अगर मैं साथ में आर्टिकल्स 243P, 243R एंड 246S ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मैं बात करती हूँ, तो वो भी कहता है पावर फॉर यूनिफिकेशन और ट्राइफिकेशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज ऑफ दिल्ली वेस्ट विद द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड नॉट विद द यूनियन गवर्नमेंट. सर, वी आर टॉकिंग अबाउट फेडरल कोऑपरेशन एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी. आज इनकी सरकार है, शायद नहीं रहेगी. कल इनकी सरकार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, शायद नहीं रहेगी. वाजपेयी जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहकर गए थे, सरकारें आएंगी जाएंगी, राजनीतिक पक्ष उभरेंगे और गिरेंगे भी, पर जो हमारा संविधान है और जो हमारा प्रजातंत्र है उसका हनन कतई नहीं होना चाहिए. तो आपके माध्यम से सर, मैं मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री को यही कहना चाहूंगी, जरा इस पे पुनः विचार करें और यहाँ पे जो दिल्ली असेंबली है, जो इलेक्टेड दिल्ली असेंबली है, उनसे भी सलाह मशवरा कर ये निर्णय लें.